तो मैं आया आपके लिए कंप्यूटर में कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ, जिससे देख आप हैरान हो जाएंगे, बोलिए कैसा भी कंप्यूटर में हो सकता है कि आप दोस्तों बिल्कुल हो सकता है इसका दोस्तों। तो प्लीज़ ये दोस्तों मेरा ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। आ गया हूँ मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो दोस्तों। दोस्तों आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी वर्ड फाइल पड़ी हुई है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि इस वर्ड फाइल को बिना ओपन किए आप इसके अंदर पड़ा हुआ कंटेंट कॉपी पेस्ट और डिलीट कुछ भी कर सकते हो दोस्तों, आपको कैसा लगेगा? अलग लगेगा ना दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो ऐसा करने के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर कीबोर्ड में सिंपली अल्टर और पी दबाए दोस्तों। अल्टर और पी दबा दिया, इसकी वजह से दोस्तों साइड में थोड़ी जगह हो जाएगी और विंडो आ जाएगा। आप देख रहे हैं अभी इसमें से कोई भी फाइल सिलेक्ट करिए। ये देखो दोस्तों मैंने असाइनमेंट नाम की फाइल का कंटेंट मुझे पढ़ना है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसका सारा कंटेंट यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। अब यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट डिलीट सब कुछ कर सकता हूँ दोस्तों विदाउट ओपनिंग फाइल। आप देख रहे हैं पूरा भी आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। ऐसे मैं कंप्यूटर नेटवर्क ओपन करूँगा दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर क्या लिखा है क्या है। दोस्तों अगर ये ट्रिप्स अच्छी लगे तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों हम आते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पर। और नेक्स्ट ट्रिक की ये दोस्तों कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करो, तो आप लोग सिंपली क्या करोगे कि अपने माउस का राइट क्लिक बटन क्लिक करोगे, न्यू में जाके फोल्डर पर दबा दोगे। नहीं दोस्तों अभी आपको ये करना नहीं है, आप दूसरों को भी चौंका सकते हो ये ट्रिक करके जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग आपको लोगों को सिंपली क्या करना है दोस्तों कि अपने कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन दबाना है, रेडी आपका फोल्डर बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट एंड। अगर ये ट्रिक अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनती ही है। तो ये है हमारी नेक्स्ट ट्रिक। दोस्तों आप अपने विंडो पे मल्टीटास्किंग कर रहे हो, यहाँ पे कुछ काम कर रहे हो, जब आपने बहुत सारे विंडोज खोल रखे हैं और आपको डेस्कटॉप में जाने में तकलीफ हो रही है, तब दोस्तों आपको सीधा डेस्कटॉप जाना है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है जिसका नाम है विंडो डी। विंडो डी दबाते ही आप सीधे अपने डेस्कटॉप पर आ जाते हैं दोस्तों। देखिए हम करते हैं सिंपली विंडो प्लस डी, हमारा डेस्कटॉप आ जाएगा सीधा। ये आपको बहुत काम आएगी दोस्तों जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होगे। हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा अगली ट्रिक दोस्तों। ये ट्रिक ज़्यादातर हमारी क्रोम पे दोस्तों, हम क्रोम यूज़ करते हैं, हमें से ज़्यादातर लोगों क्रोम पे यूज़ करते हैं दोस्तों। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि आप न्यू टैब ओपन कीजिए, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे प्लस बटन पे जाके क्लिक करोगे। अब दोस्तों मैं आपको एक शॉर्टकट की बताने जा रहा हूँ जिससे आपको प्लस बटन पर क्लिक करना नहीं पड़ेगा। माउस का तो आप यूज़ ही बहुत कम कीजिए दोस्तों। ये शॉर्टकट का नाम है कंट्रोल टी। आप देख रहे न्यू टैब आ गया, ये कंट्रोल टैब से आपका न्यू टैब आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे अगले टिप्स है वो भी क्रोम पे ही है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अगले टिप्स। इसके बारे में दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो प्लीज़ ये जान लें। तो दोस्तों ये देखिए हमारी ये सर्च इंजन चल रहा है यहाँ पे, ये हमारा सर्च इंजन है। इसमें से कोई भी लिंक अगर मैं आपको बोलूँ कि आप तुमने न्यू टैब में खोलो, तो आप सिंपली क्या करोगे इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करोगे। लेकिन अभी दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिंपली अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन क्लिक कंट्रोल बटन दबाए रखना है और यहाँ पे लिंक पर क्लिक करना है। सिंपली आप देखें यहाँ पे न्यू टैब में खुल जाएगी, है ना, ये कमाल की। इसके लिए प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। दोस्तों हमारी अगली ट्रिक है वो भी क्रोम पे ही दोस्तों, जिसलिए शुरू करते हैं हमारा क्रोम। दोस्तों जब आप क्रोम में मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तभी आपके बहुत सारे टैब खुले होते हैं दोस्तों, और ये आप अपने जल्दी जल्दी ये सारे टैब बंद करने जाते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं कर रहा हूँ जल्दी जल्दी मैं टैब बंद कर रहा हूँ, उसमें कोई इंपॉर्टेंट टैब है वो भी बंद हो गया है दोस्तों। अभी इसको वापस कैसे लिया जाए, ले जा सकता है? आपको लग रहा है ये वापस आ जाएगा? जी हाँ दोस्तों ये वापस ज़रूर आ जाएगा। इसके लिए एक शॉर्टकट की है जो मैं आपको बता जा रहा हूँ, जो शॉर्टकट की का नाम है कंट्रोल शिफ्ट टी। इससे आपका जो रिसेंट लास्ट वाला लोगों का टैब होगा वो वापस खुल जाएगा दोस्तों। ये मेरा लास्ट ये टैब खुला होता है, ये देखिए वापस खुल गया। तो दोस्तों अगर ये टैब सकते हैं दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कीजिए, शेयर कीजिए।
ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए।